स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सेंटर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ चैप्टर 7, नेम इज इंटरनेट। हमने अभी तक इंटरनेट में क्या समझा है, क्या पढ़ा है, वो सब अभी हम रिवीजन करेंगे और इस चैप्टर को आज हम एंड कर देंगे। ठीक है, आज ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने प्रीवियस जो वीडियो थी, मैंने आपको क्या समझाया था कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, समझ गए होंगे आप। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, और सम यूजर्स देखे थे हमने इंटरनेट के, क्या क्या यूजर्स होते हैं इंटरनेट के अंदर, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे www किसे कहते हैं, क्या कैसे काम करता है, वेब ब्राउजर, वेब पेज, वेबसाइट, हाइपरलिंक, होम पेजेस, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये सब हमने डिटेल में देख रहे होंगे आप स्क्रीन में, हम डिटेल में इसे पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक इससे आगे रहेगा, ISP के बाद रहेगा। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, ब्राउजिंग ए वेबसाइट इन ए ब्राउजर। जो ब्राउजर हमने पढ़ा था, वेब ब्राउजर, उसमें कैसे हम ब्राउजिंग कर सकते हैं। ब्राउजिंग मतलब क्या हुआ कि कुछ इंफॉर्मेशन या टेक्स्ट कलेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ भी लिख रखा है, देखो, द वर्ड ब्राउज मीन्स गो थ्रू द कंटेंट ऑफ समथिंग, कि कुछ भी आपको ढूंढना हो तो वो आप ब्राउजर की मदद से करोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ, ये क्रोम है, क्रोम कुछ इस तरीके का आपका एक ब्राउजर है एक तरीके का। तो आप इसे ओपन करने के लिए क्या करते हो बेटा, आप क्या करते हो, पहले अपने कंप्यूटर पे आओगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, फिर आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे, फिर आपको जो ब्राउजर आपको सेलेक्ट करना है वो आप ब्राउजर कर सकते हो। आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका डिफ़ॉल्ट होता है एक ब्राउजर। अगर आप अदर कोई ब्राउजर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ कर रखा है गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम का कुछ ये लोगो होता है और कुछ इस तरीके से उसका होम पेज होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से उसमें ब्राउजिंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, सब इम्पोर्टेंट बटन अवेलेबल ऑन एनी ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर हो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बटन होते हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, उसके यूजेस करना भी आपके बहुत हेल्पफुल होगा। तो ध्यान से समझो, एड्रेस बार होता है, एड्रेस बार क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर टाइपिंग द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट यू वांट टू ओपन। जो भी आप वेबसाइट ओपन करना चाहते हो उसका आप नाम लिख सकते हो या उसका URL एड्रेस भी आप वहाँ टाइप कर सकते हो, तो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यू मस्ट नो द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट टू ओपन इट, आपको अगर वेबसाइट का पूरा लिंक पता है, पूरा एड्रेस पता है, तभी आप उसको खोल सकते हो। अगर आपको कोई वेबसाइट खोलनी है तो आपको उसका एड्रेस या URL उसका पूरा ये पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल देखें, तो प्रैक्टिकल कुछ इस तरीके से, देखो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये क्रोम है। ठीक है, यहाँ हमने स्कूल डाला, तो स्कूल डाला तो जब हमने यहाँ सर्च करा, स्कूल लिखा, तो यहाँ पे हमें कुछ ये डेफिनेशन मिल गई है, कुछ यहाँ मैप्स मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ हमें दिखा भी दिया इसने कि कौन कौन से स्कूल है। बाकी हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट होती है, तो ये वेबसाइट आ गई है। अगर आपको डिक्शनरी कैम्ब्रिज खोलना था तो आपको ये याद होना चाहिए इसका URL कि dictionary.cambridge.org। अगर ये आप पूरा टाइप करोगे, ये एड्रेस बार ये है, ठीक है, जहाँ ये आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा लिंक दिख रहा होगा, तो ये आपका एड्रेस बार है, यहाँ आप डायरेक्ट ये टाइप करोगे तो आपका यही वेबसाइट खुलेगी, अदर वेबसाइट नहीं खुलेंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये था। अब दूसरा, रिफ्रेश। रिफ्रेश क्या होता है, दिस बटन इज यूज टू रिफ्रेश और रीलोड द वेब पेज अगेन। ठीक है, ये आपके वेब पेज को फ्रेशनेस देता है, कुछ उसे रिफ्रेश कर देता है
और रीलोड भी कर लेता है इफ़ इट डज नॉट ओपन प्रॉपरली इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। अगर ये एक बार में आपका अटैम्प्ट नहीं हो रहा है तो आप उसे अच्छे से रीलोड या रिफ्रेश कर सकते हो। तो जैसे कि आपको यहाँ ये दिख रहा है बटन, ठीक है, ये किसका है, रीलोड है, तो यही आपका रिफ्रेश का बटन हो जाता है। अगर आपका कुछ हैंग वैंग होता है तो आप रीलोड कर सकते हो, तो आपकी वेबसाइट और अच्छी चलने लगेगी। और क्या होता है आपका बैक एंड फॉरवर्ड बटन, एक बैक बटन होता है जिससे कि आप प्रेस करोगे तो आप उससे पहले जो आपने वेबसाइट खोली थी या जिस पेज पे आप थे उस पेज पे आप चले आओगे। फॉरवर्ड का मतलब कि आप जैसे कि आपने कोई और वेबसाइट खोली फिर आप बैक आ गए हो, अगर आपको उस वेबसाइट पे आना है जो करेंट वेबसाइट है तो आप फॉरवर्ड की मदद से उस वेबसाइट पे जा सकते हो। बैक बटन लेट यू गो बैक टू द लास्ट पेज यू विजिट, जो भी हमने लास्ट पेज विजिट करा होगा उस पर आपको लेके चलेगा कौन, बैक बटन। इफ़ यू वेंट बैक ए प्रीवियस पेज, अगर आपको प्रीवियस पेज पे फिर जाना है, यू कैन यूज़ फॉरवर्ड बटन टू रिटर्न टू दिस पेज, अगर आपको उस पेज पे जाना है तो आपको फॉरवर्ड का बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ आए, यहाँ अभी बैक का बटन आ रहा है, ठीक है, मैं बैक पे अगर क्लिक कर दूँ तो बैक पे हम होम पेज पे थे, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड बटन अगर मैं दबाता हूँ, प्रेस करते हैं, तो हम उसी पे पहुँच जाएंगे जहाँ हम थे, ठीक है, समझ रहे हो बात, यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। अब देखिए होम बटन, होम बटन क्या होता है, दिस बटन विल टेक यू टू द वेब पेज विच लोडेज वेन योर ब्राउजर फर्स्ट स्टार्ट, जब भी आपका ब्राउजर फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगा तो उसे क्या कहोगे आप, होम पेज कहोगे, क्या कहोगे, होम पेज कहोगे। ये जैसे गूगल क्रोम का होम पेज है, इसका होम पेज आता है बाय डिफॉल्ट, जब आप गूगल क्रोम ओपन करोगे तो आपका फर्स्ट पेज यही आएगा, ठीक है, और बाकी अदर पेज तो वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप क्या सर्च करते हो तो उसके अकॉर्डिंग वो पेज आएगा। टैब्स क्या होते हैं, टैब्स आर यूज टू ओपन मैनी वेबसाइट एनी द सेम टाइम, टू ओपन मोर देन वन टैब क्लिक ऑन द न्यू टैब बटन, अगर आपको कुछ नया कुछ अलग अलग वेबसाइट खोलनी है, पेजेस खोलने हैं, तो आपने ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे टैब, एक दिख रहा होगा न्यू टैब कंप्यूटर एंड स्कूल, तो यहाँ हमने कंप्यूटर का नया हमने पेज खोल रखा है, तो ये क्या है, टैब है, ठीक है। हम एक ही ब्राउजर में डिफरेंट टाइप के टैब्स खोल सकते हैं, डिफरेंट टैब्स में हम डिफरेंट वेबसाइटें या वेब पेज खोल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कंप्यूटर सर्च करा था तो कंप्यूटर का ही है, मैंने स्कूल सर्च करा था तो ये स्कूल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, तो हमारी डिफरेंट डिफरेंट हो गई ना, एक ही टाइम पे हम बहुत सी वेबसाइटों को देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्या सीखेंगे, देखो आगे है और भी हैं कुछ, एक है फेवरेट्स, फेवरेट आपको पता ही है जो आपको पसंद है, टू ऐड योर फेवरेट वेब पेज दिस बटन बुकमार्क योर फेवरेट वेब पेजेस, आप उसको फेवरेट में लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मेरा ये मेन पेज है तो मैंने यहाँ मेल को फेवरेट कर रखा है, गूगल को फेवरेट कर रखा है, तो यहाँ ये मेरे फेवरेट हैं, हम यहाँ डायरेक्टली इन पे क्लिक करके इन पेजेस पे जा सकते हैं, इन वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखिए आप, और क्या है आपका मिनिमाइज मैक्सिमाइज एंड क्लोज, ये आपके तीन बटन रहते हैं आपके कॉर्नर में, ठीक है, आपके राइट हैंड कॉर्नर में अप साइड में ये तीन बटन आपको मिलते हैं हर ब्राउजर में, तो द मिनिमाइज बटन रिड्यूस द विंडो टू द टास्क बार, ये क्या करता है, मिनिमाइज छोटा कर देता है, मिनिमाइज कर देता है आपकी विंडो को, मैक्सिमाइज आपकी विंडो का एनलार्ज कर देता है, इन लार्ज कर देता है, बड़ा कर देता है उसे ना, फुल स्क्रीन कर देता है उसके मीन। क्लोज बटन क्या कर देता है आपका, स्टॉप कर देता है लोडिंग को, वेब पेजेस को, और क्लोज कर देता है आपके ब्राउजर को, आपको कोई भी ब्राउजर हो उस विंडो को वो क्लोज कर देगा, ठीक है। तो बटन दिखाता हूँ मैं आपको, ये हैं देखो, ये मिनिमाइज है, ये आपका मैक्सिमाइज है, ये आपका क्लोज है, तो मिनिमाइज कैसे करते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये मिनिमाइज हो गया, ठीक है। अब आपको इसको ओपन करना है, तो ये है मैक्सिमाइज का बटन, ठीक है, ये मिनिमाइज था, मैंने फिर ओपन करा है, मैक्सिमाइज का बटन दबाइए तो ये फुल हो जाता है, ठीक है, फुल स्क्रीन पर आ गया, और ये आपका क्लोज का बटन होता है, इसको हम क्लोज करेंगे तो ये सब हमारा क्लोज हो गया,
ठीक है, फिर हमें फिर रीओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे कुछ इंफॉर्मेशन इंटरनेट के रिलेटेड जो कि आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। क्या क्या है ये देखिए। एक है आपका सर्च इंजन। क्या है आपका? सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन में क्या होता है? सर्च इंजन, सर्च इंजन आर द टूल टू रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये क्या करता है? सॉल्व करता है आपके प्रॉब्लम को। कौन सी प्रॉब्लम को? दे सर्च द एंटायर वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www की मदद से ये कोई भी टॉपिक आपका डिस्प्ले कर देगा, आपके उसके रिलेटेड वेबसाइट सर्च कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है। व्हेन देन क्लिक ऑन वेबसाइट फ्रॉम द लिस्ट टू सी द इंफॉर्मेशन वी वांट। जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसी वेबसाइट पे हम जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ कंप्यूटर सर्च करा था, ठीक है। अगर हमें परचेज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ये तो एडिशनल फंक्शन है। बट हमारे पास नीचे यहाँ वेबसाइट आ रही है कुछ, ये विकीपीडिया है। विकीपीडिया का मतलब कि ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा। ये भी एक वेबसाइट है जिसमें हिस्ट्री, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा। तो ऐसे आप जो आपको नीड है उसी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट आपको डायग्राम भी मिलेंगे, फोटोज भी मिलेंगी, वीडियोज भी मिलेंगी। आप जो आपको अच्छा लगे उस पर आप जा सकते हैं, ठीक है। ये होता है सर्च इंजन। सर्च इंजन वही था कि आपने सर्च करा, ये क्या था? सर्च इंजन था। यहाँ आपने सर्च करा कंप्यूटर, तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइट आ गई, वीडियोस आ गए हैं, कुछ प्रोडक्ट भी आ गए हैं। तो ये सब आपके सर्च इंजन की मदद से आए हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, ये लिखा है यहाँ, सम सर्च इंजन्स आर। क्या है सर्च इंजन्स? google.com है, बिंड है, आस्क है, अल्टा विस्टा है, ठीक है। ये सब क्या है? सर्च इंजन से जो कि आपकी मदद करते हैं। और क्या होते हैं? इंटरनेट डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टरीज आर वेबसाइट विद द लार्ज कलेक्शन ऑफ वेब पेज एड्रेसेस एंड डिस्क्रिप्शन। इनमें क्या होता है? इनमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में लार्ज कलेक्शन होता है इनके पास, किसका? वेब पेजेस एड्रेस का, जिससे कि आपको बहुत मदद मिल जाती है। वो एक ही इंफॉर्मेशन डिफरेंट पेजेस पे मिल जाती है, अलग अलग तरीके से मिल जाती है, ठीक है। They have different categories that until you find the web page or website that you are looking for. आपको different category भी मिलेगी इसमें web page की, तो आप कोई भी website इसमें search कर सकते हो और आपको मिल सकती है उसकी information, जो आप information ढूंढना चाह रहे हो। Yahoo is very popular internet directory. Yahoo अभी तक का most popular आपकी website है, जो कि क्या है? इंटरनेट डायरेक्टली डायरेक्टरी है आपकी, ठीक है ये सर्च इंजन, मगर आपकी इंटरनेट डायरेक्टरी इसमें कुछ ज़्यादा ही होती है, इसमें कलेक्शन कुछ ज़्यादा है वेब पेजेस के, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, आगे आपका ये आज चैप्टर क्लोज होता है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी और आपने इसमें बहुत कुछ सीखा है, आपको पता ही है। तो इसे अच्छे से देखिए और सीखते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।